नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रैक UPPCS में। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाएं जैसे PCS RO व अन्य परीक्षाओं में जो प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले बच्चों का अनुपात था वो एक वैकेंसी पर 13 लोगों का था और जो कि पहले 18 गुना था। और स्केलिंग को लेकर भी जैसे कि पिछले 2018 से ही स्केलिंग को आयोग ने समाप्त कर दिया था, उन सभी मुद्दों के लेकर आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जो कि छात्र हित में है। तो आइए देखते हैं कि आयोग ने क्या फैसला लिया है। यह नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है। तो आइए पढ़ते हैं। आयोग द्वारा आगामी आयोजित की जाने वाली ऐसी समस्त परीक्षाओं PCSJ को छोड़कर में प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या का 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने तथा साक्षात्कार के लिए रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि पिछले अध्यक्ष ने प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात 13 कर दिया था व इंटरव्यू के लिए 2 गुना अभ्यर्थी ही पास किए जाते थे। उक्त व्यवस्था आगामी आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 यानी कि PCS 2021 व ACF RFO परीक्षा 2021 जो दिनांक 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जा रही है से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन संख्या A1 2021 दिनांक 5 फरवरी 2021 में अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश के बिंदु 14-14 में अभ्यर्थियों के परीक्षा में उत्तीर्ण कराए जाने की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर आयोग द्वारा लिए गए उक्त निर्णय यानी कि 15 गुना से संबंधित व्यवस्था लागू होगी और इसके बाद आयोजित होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। यानी कि जो आगामी परीक्षाएं होंगी चाहे वो RO हो उसमें भी प्रारंभिक परीक्षा में 15 गुना विद्यार्थी ही उत्तीर्ण किए जाएंगे। सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा 2021 एवं ACF RFO परीक्षा 2021 में ये स्केलिंग को लेकर दिया गया नोटिस की महत्वपूर्ण अनुदेश में 14-15 के क्रम में याचिका संख्या C-165/2005 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए मॉडरेशन और स्केलिंग के संदर्भ में निर्णय का अनुपालन किया जाएगा। यानी कि इस बार से स्केलिंग फिर से लागू कर दी गई है। तदनुसार सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021 से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन संख्या A1 2021 5 फरवरी में समस्त अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश 14-14 में आगामी आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं में उक्त से संबंधित बिंदु उपयुक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। ये जगदीश सचिव द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आयोग ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय है व छात्रों के हित में है। धन्यवाद।